फ्रेंड्स, मैं श्वेता चौहान सीटेट क्वालिफाई है और मैंने जिसमें पेपर वन एंड पेपर टू जो कि आपका रिसेंटली हुआ है उसमें मैंने 140 प्लस स्कोर किया हुआ है। आज मैं अपनी जो कुछ स्ट्रेटेजीज है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत से स्टूडेंट का मानना होता है कि सीटेट एग्जाम एक बहुत ही टफ एग्जाम है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि सीटेट एग्जाम में अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजी और एक्यूरेट टाइम लेकर चलते हैं तो ये एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ही इजी है। मेरे पास इसकी प्रिपरेशन के लिए पूरे 2 महीने थे जिसमें मैंने 4 to 5 hours डेली स्टडी किया और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया, लेकिन आपका जो अगर वीक सब्जेक्ट है उसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके इसको कवर कर सकते हैं। सीटेट के अगर हम स्कोर की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपका 60% रहता है और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो आपका क्वालिफाइंग जो रहता है वो 55% रहता है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा स्कोर करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप सेंट्रल एग्जाम की कोई भी इंटरव्यू के लिए कर जाते हैं या फिर अगर कोई भी टीचिंग एग्जाम की जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां आपको इसका बहुत बेनिफिट है।